किसी का मैं काम न आऊं, दुख दर्द न समझू, सोचा गांव का राजे कुछ मदद कर लू, वो अभी 100 रुपए देता हूं, काम चला लेना, भी जरूरत पड़े वहां पर हमसे मांग लेना। इसमें सभ्यता लगी क्या बात है, आज दिन हम लोग गांव वाले गरीबों के काम नहीं आएंगे तो फिर कब काम आएंगे। आप ठीक कहते हैं बलवंत सरकार, अभी नई नई दुल्हन आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, फिर तो वापस करते ही दौर कर दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। हम शुद्ध खोल थोड़ी है, हम शुद्ध कुछ नहीं लेते हैं, रख लो। अब भगवान नहीं देता है राज जी, आप मेरे लिए माँ बाप है। तुम सीता हो और मैं भगवान हूँ, फिर दोनों के मिलन में घबराहट क्यों हो? भगवान नहीं शैतान हो, तुम नीच हो, मैं गलत समझ बैठी। चलो जाओ यहाँ से। चलो जाओ, चलो जाओ, भी खाली हाथ, एक गरीब भी भिखारी को अपने दरवाजे पर से खाली हाथ नहीं लौटने देता, और तुम्हारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो, और ऐसी जवानी है जिसके हम लोग भिखारी हैं। भी तुम जैसे कुत्ते कमीने को रातों से इनाम देना चाहिए, ऐसा इनाम कि जीवन भर फिर किसी की बेटी को नजर उठाने की हिम्मत ना हो। एक रात के लिए 100 रुपए कम है तो 200 रुपए ले लो। इज्जत का कीमत 100 रुपए 100 करोड़ भी कम है, इज्जत को रुपये से नहीं खरीद सकता राय जी। 100 करोड़ क्या, हमारे यहाँ तो एक एक मुट्ठी पर सब अन्न इज्जत बेचने आती है। मैंने एक एक रुपए में इस गांव की इज्जत को खरीदा हूँ। मैं तुम्हें 200 रुपए देती हूँ, क्या तुम अपने बेटी को एक रात के लिए राम का हवाला कर दोगे? सीधे 200 कम है, 300 सही। सीधे मेरे साथ जुबान चलाने की कोशिश मत करो, मेरे चार टकराने की किसी को हिम्मत नहीं किया, जिसने जिसका भी हिम्मत किया उसका मैंने सिर उधेड़ दिया। मैं इस गांव का शेर हूं, दहाता हूं तो सारा गांव खटखराने लगता है। इसीलिए रुपयों को लालच देकर किसी की बेटी बहू का इज्जत छीनते हो? इज्जत गहने जेवर नहीं है जिसको रुपयों से खरीद सको, इज्जत औरत का सम्मान है, इज्जत है जिस दिन लूट जाएगी ना औरत अपनी जान दे देगी, इज्जत नहीं। तुम हर दिन भी इज्जत की बात करती हो, कब से मेरी छम्मत छोड़ने वाली? अब अपना रंग बदलना ही पड़ेगा, लाभ के भूत बातें से नहीं मानते। ठीक कहा आपने राजी, अपना दूसरा रूप इसे दिखाइए।
अपना पिता तुल्य है। पिता? कैसा पिता? मुझे पिता मत कहो जीता, मैं तुम्हारा पति हूँ पति। रुक जा बलवान, रुक जा। अब कहाँ जाओगी सीधे? मुझे मत छुओ बलवान, जलकर राख हो जाओगे। जैसे सीता को छूने पर राम ने रावण का पूरा संपूर्ण वंश मिटा दिया, इस प्रकार मेरा राम भी तुझे नहीं छोड़ेगा। और आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। कमीने कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।